नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रीक गुजराती में। मित्रों, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के जेमा हेक्टर दीठ रुपया 20,000 सहाय मळनार छे। तो ते सहायनु फॉर्म क्यां भरवू अने कया कया डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे ते अंगेनो परिपत्रनी संपूर्ण माहिती आपणे आ विडियोमां जोईशुं। तो आ विडियोने छेल्ले सुधी जोजो जेथी करी तेनी संपूर्ण माहिती आपने मळी जाय। अने जो चेनल पर नवा छो अने चेनलने सब्सक्राइब नथी करी तो चेनलने सब्सक्राइब करी बाजुमां रहेल बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, जेथी करी आपणी चेनल पर आवी ज नवी माहिती मूकवामां आवे त्यारे तेनुं नोटिफिकेशन आपने मळी जाय। तो चालो शुरू करीए आजनो आपणो टॉपिक। कुदरती आपत्तिथी खरीफ ऋतुमां खेडूतोने थता पाक नुकसान माटे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जे गुजरात सरकारना कृषि खेडूत कल्याण अने सहकार विभागना तारीख 10/8/2020 ना रोज जाहिर करवामां आवेल छे। तो आ परिपत्र आप जोई शको छो के आपणे जे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजनानो एनो आगळनो विडियो बनावी गया ते मुजबनी आ तमाम माहिती आमां जोवा मळी रही छे। त्यारबाद आपणे नीचे जे ठरावनी विगत छे तेना उपर आवी जईशुं। तो पुख्त विचारणा ने अंते सने 2020-21 वर्ष माटे खरीफ ऋतु माटेना तमाम पाक वावेतर विस्तारने आवरी लईने अनावृष्टि एटले के दुष्काळ, अतिवृष्टि अने कमोसमी वरसाद एटले के मावठुं नी कुदरती आपत्तिथी थता जोखमोथी खेडूतने थता पाक नुकसान सामे राज्य सरकार जे राज्य सहाय आपवानी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना मंजूर करवानुं आथी ठराववामां आवे छे। तो वर्ष 2020-21 ना वर्ष माटे ज आ योजना छे अने ते आ वर्षमां जे खरीफ ऋतु हाल चाली रही छे ते ऋतुमां तमाम पाक वावेतर विस्तारने आवरी लेवामां आवेल छे। तो आ खरीफ ऋतु दरमियान जो अनावृष्टि एटले के दुष्काळ, अतिवृष्टि के मावठानी परिस्थिति थशे तो तेना जोखमथी जो खेडूतना पाकने नुकसान थशे तो तेमां आ मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना अन्वये सहाय आपवामां आवशे। अने आ योजनामां समाविष्ट जोखमो जे बाबते पण आपणे आगळना विडियोमां चर्चा करी गया छीए। त्यार पछी आगळ मुद्दो छे के पाक नुकसान अंतर्गत गामो, तालुका अने विस्तार जाहेर करवानी प्रक्रिया। तो ऊपर जणाव्या मुजबनी अनावृष्टि, अतिवृष्टि अने कमोसमी वरसाद एटले के मावठाना कारणे पाकने नुकसान थयेल होय तेवा असरग्रस्त गाम, तालुका विस्तारनी यादी जिला कलेक्टर द्वारा तैयार करवामां आवशे अने तेने घटना बन्याना 7 दिवसनी अंदर राज्य सरकारनी महसूल विभागनी मंजूरी अर्थे मोकली आपवानी रहेशे अने कलेक्टरनी दरखास्तना आधारे राज्य सरकारना महसूल विभाग द्वारा आ दरखास्त मळ्याना 7 दिवसमां आ योजनाना लाभ माटे असरग्रस्त विस्तार, गाम अने तालुकानी मंजूरीनो हुकम करवामां आवशे। एटले के आ पाक नुकसान अंतर्गत कलेक्टरश्री द्वारा दरखास्त करवामां आवशे जे ते समये अने ते दरखास्तना 7 दिवसमां जो राज्य सरकारने योग्य लागे ते मुजब ते मंजूरीनो हुकम करशे। त्यार पछीनो मुद्दो छे के पाक नुकसानना सर्वेनी कामगीरी। तो राज्य सरकार द्वारा जे असरग्रस्त गाम, तालुका अने विस्तारनी यादी जाहेर थशे त्यार पछी जे ते जिल्लाना जिला विकास अधिकारी द्वारा सर्वेनी टीमो बनाववामां आवशे अने असरग्रस्त गाम, तालुका अने विस्तारनी असरग्रस्त खेतरोना पंचनामा सहित सर्वे आ 15 दिवसमां सर्वे करवामां आवशे अने संपूर्ण सर्वे थया बाद आ योजना हेठळ सहाय मेळववा पात्रता धरावता खेडूतोनी यादी जे जिला विकास अधिकारीनी सही द्वारा हुकम करी अने जाहिर करवामां आवशे अने आमां 2 अलग-अलग यादी जाहिर करवामां आवशे जेमां 33 થી 60% नुकसान थयुं होय तेनी एक अलग यादी बनाववामां आवशे अने 60% થી વધુ नुकसान थयुं होय તેઓની એક અલગ યાદી બનાવવામાં આવશે। तो आ प्रमाणे बे यादी बनाववामां आवशे अने जाहेर करवामां आवशे, जेमां लाभार्थीनुं नाम, 8 खाता नंबर, असरग्रस्त सर्वे नंबरनुं क्षेत्रफळ अने पाक नुकसानग्रस्त जे विस्तारनुं क्षेत्रफळ छे अने पाकनुं नाम, आ तमाम विगतो ते यादीमां दर्शाववामां आवशे। हवे आगळ जोईए के आ योजना माटे खेडूत लाभार्थीनी पात्रता, तो कया खेडूतोने आ लाभ मेळववा माटे पात्र गणवामां आवशे तेना मुद्दाओ आपवामां आवेल छे, जेमां क्रम नंबर 1 छे के समग्र राज्यमां रेवन्यू रेकर्डमां नोंधायेला 8 धारक खेडूत खातेदार तथा फॉरेस्ट राइट एक्ट हेठळना सनद धारक खेडूत लाभार्थी गणाशे। तो आपणे मोटा भागना जे व्यूअर्स मित्रों छे ते जे रेवन्यू रेकर्डमां नोंधायेल 8 खेडूत धारक हशे। कदाच कोई जिला जेम के डांग से तो जे जंगल विस्तारना जिलाओ से त्यां कोई खेडूत मित्रों फॉरेस्ट राइट एक्ट हेठळ आ सनद धारक खेडूत होई शके छे, तो आवा खेडूतोए लाभार्थीनी पात्रता धरावशे। ते उपरांत आगळ मुद्दा नंबर 2 जोईए के आ योजनाना लाभ माटे जे ते खरीफ ऋतुमां खेडूतोए वावेतर करेलुं होवुं जोईए, जो वावेतर नहीं करेल होय तो आ योजनानो लाभ मळवापात्र थशे नहीं। त्यार पछी क्रम नंबर 3 छे अनावृष्टि एटले के दुष्काळ, अतिवृष्टि अने कमोसमी वरसाद एटले के मावठुं ए जोखमना कारणे ऊभा खरीफ पाकना 33% के तेथी वधु नुकसानना प्रसंगे ज आ योजनानो लाभ मळवापात्र थशे। एटले के आ 3 जे जोखमो छे ते जोखमोना कारणे ऊभा पाकने 33% के तेथी वधु नुकसान थयुं हशे तो ज आ योजनानो लाभ मळवापात्र थशे। त्यार पछी छे क्रम नंबर 4 के 1/8 खाता दीठ एक ज सहाय महत्तम 4 हेक्टरनी मर्यादामां मळवापात्र थशे, एटले के 1 खाता दीठ एक ज सहाय मळवापात्र थशे अने ते पण 4 हेक्टरनी मर्यादामां मळवापात्र थशे। त्यार पछी क्रम नंबर 5 छे के खरीफ ऋतु में आ योजना हेठळ कोईपण एक जोखमनो ज लाभ मळशे, एटले के आप ज्यारे खरीफ ऋतु में खरीफ पाक लई रह्या छो त्यारे कोईपण एक ज जोखमनो लाभ मळशे। दाखला तरीके अनावृष्टि थई अने अनावृष्टि एटले के दुष्काळनी परिस्थिति थई तो आपने आ दुष्काळनी परिस्थिति अन्वये आ योजनामां लाभ मळशे, परंतु त्यार पछीथी जे आपने मावठानो समयगाळो दर्शाव्यो छे ते समयगाळामां जो मावठुं थाय अने तेना अन्वये पण आपना पाकने नुकसान थाय तो आपने जे दुष्काळनी परिस्थितिमां लाभ मळी गयो हशे तो त्यार पछी बीजो लाभ मळवापात्र थशे नहीं अने कोईपण एक जोखमनो ज लाभ मळवापात्र थशे। त्यार पछी क्रम नंबर 6 जिला विकास अधिकारीए मंजूर करेली यादी जाहेर कर्याना 7 दिवसमां आ यादीमां समाविष्ट खेडूतोए ऑनलाइन अरजी माटे जरूरी साधनिक कागड़ों सहित ई ग्राम सेंटर पर जवानुं रहेशे, तो आनुं फॉर्म भरवा माटे ई ग्राम सेंटर पर जवानुं छे ज्यां आपने VCE ऑपरेटर एटले के विलेज कम्प्यूटर एंटरप्रेन्योर तेनी पासे जई अने आ फॉर्म भरी शकाशे। त्यारबाद क्रम नंबर 7 छे के लाभार्थी खेडूतनुं पोतानुं बैंक एकाउंट होवुं जोईए। क्रम नंबर 8 छे के अनावृष्टि दुष्काळना किस्सामां केनाल आधारित जे कमांड एरियाना खेडूतोने आ जोखमनो लाभ मळवापात्र रहेशे नहीं, जो दुष्काळनी परिस्थितिनुं निर्माण थाय छे तो जे केनालना कमांड विस्तारमां आवता होय ते खेडूतोने आ योजनानो लाभ मळशे नहीं। अने अंते क्रम नंबर 9 छे के आ योजना उपरांत जे खेडूत लाभार्थीओने SDRF योजनानी जोगवाईओ मुजब लाभ मळवापात्र हशे तो ते मळशे। अने आगळ आपणे सहायनुं धोरण जोईए तो 33% थी 60% सुधीनुं नुकसान होय तो प्रति हेक्टर 20,000 रुपयानी सहाय जे महत्तम 4 हेक्टरनी मर्यादामां मळवापात्र थशे अने 60% थी वधु नुकसान होय तो प्रति हेक्टर रुपया 25,000 जे पण महत्तम 4 हेक्टरनी मर्यादामां सुधी मळवापात्र थशे। हवे आपणे आ सहाय मेळववा अरजी करवानी अने साधनिक कागळो रजू करवानी पद्धतिनी वात करीए, तो आ योजना माटे नक्की करवामां आवेल पोर्टल उपर જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ મંજૂર કરેલ યાદીના લાભાર્થી ખેડૂતોએ ઈ ગ્રામ સેન્ટર ઉપર જવાનું રહેશે અને ઈ ગ્રામ સેન્ટરના VLE એ ખેડૂતને સાધનિક કાગળો તપાસી અને પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ મેળવી અરજદારની જરૂરી સહી કે અંગૂઠો કરાવી અને સાધનિક કાગળો સહિતની અરજી VLE ને મેળવી લેવાની રહેશે અને तथा यादी साथे तमाम अरजीओ साधनिक कागड़ों सहित संबंधित ग्राम सेवक ने दिन 3 में आपवाना रहेशे। तो आ योजनानुं फॉर्म भरवा माटे जे ते ई ग्राम सेंटर पर जई अने VLE अहींया VLE लखेलुं छे परंतु कदाच मिस्टेक थई छे। ई ग्राम सेंटर पर VCE होय छे अने तालुका लेवले VLE होय छे। तो VCE पासे जई अने आपने फॉर्म भरवानुं रहेशे। VCE आपना डॉक्यूमेंट चकासी अने आपनुं फॉर्म भरी आपशे अने जे तेनी प्रिंटआउट मेळवी आपनी सहीनी जरूर हशे त्यां आपनी सही लई अने त्यारबाद ते कागळो जे ते ग्राम सेवकने रजू करशे। त्यार पछी छे लाभार्थी खेडूते ऑनलाइन करेली अरजीनी प्रिंटनी नकलमां सही के अंगूठो करी अरजीनी साथे नीचे मुजबना साधनिक कागळो जोडवाना रहेशे। तो हवे कया कया कागळो जोड़वाना छे तेनी विगत जोईए। तो ऑनलाइन फॉर्म भर्या पछी जे अरजीनी प्रिंटआउट निकळे छे तेमां सही करी अने तेनी साथे गाम नमूना नंबर 8 नी नकल, गाम नमूना नंबर 7-12 नी नकल, जेमां गाम नमूना नंबर 12 मां पाक वावेतरनी नोंधणी थयेल न होय तो तेवा किस्सामां तलाटी कम मंत्रीश्रीनो पाक वावेतरनो दाखलो सामेल राखवानो रहेशे। त्यार पछी क्रम नंबर 3 छे के खेडूत लाभार्थीने पोताना बैंक एकाउंटनी पासबुकनी प्रथम पेजनी नकल के जेमां पोतानो खाता नंबर अने IFSC कोड स्पष्ट रीते देखातो होय तेवी नकल आपवानी रहेशे। त्यार पछी क्रम नंबर 4 छे के संयुक्त खातेदारना किस्सामां अन्य खातेदारोनुं सम्मति पत्रक एटले के जो 8 मां 1 थी वधारे नाम होय तो जेना नामनुं फॉर्म भर्युं होय ते सिवायना तमाम सहिस्सेदारोनी सम्मतिपत्रकनी जरूर पड़शे। त्यारबाद अरजदारना आधार कार्डनी नकल अने क्रम नंबर 6 जोईए तो खेडूतनुं कबूलातनामुं। तो आ कबूलातनामुं मारा मत मुजब जे ऑनलाइन फॉर्म भरवामां आवशे तेनी साथे ज कदाच प्रिंटआउटमां निकळशे एवी कंई सिस्टम राखवामां आवशे। तो जेमां अरजी करनार लाभार्थी खेडूते पोताना खेतर में वावेल खरीफ पाक ने चौक्स क्षेत्रफल में अनावृष्टि एटले के दुष्काळ अतिवृष्टि कमोसमी वरसाद थी नुकसान थयेल छे अने मारा आ नुकसान पामेल सर्वे नंबर के नंबरों में छेल्ला 3 वर्ष थी खरीफ ऋतु में पाक वावेतर करूँ छूँ अने आ अंगे मळनार सहाय खोटी लीधेल छे ते मालूम पड़शे तो सरकारश्री में परत करवानी बांयधरी आपूँ छूँ ते मतलबनुं कबूलातनामु अरजी साथे लाभार्थी खेडूते आपवानुं रहेशे। एटले के खोटी सहाय लीधी नथी अने जो लीधी होय तेवुं मालूम पड़े तो ते सहाय सरकारमां परत करवा माटेनी बांहेधरी के कबूलातनामु आपवानुं रहेशे। तो आ प्रमाणे आपने आ फॉर्म साथे आटला डॉक्यूमेंट रजू करवाना रहेशे अने त्यारबाद अरजी मंजूर करवानी कार्यपद्धतिमां जे ऑनलाइन अरजी अने ते अन्वये मळेली अरजीनी प्रिंटनी नकल सहितना साधनिक कागळो छे ते ध्याने लई अने ग्राम सेवक आ अरजीनी चकासणी करशे अने पाक नुकसाननी टकावारी ऑनलाइन तेमज प्रिंटमां नकलमां दर्शावी सहाय मंजूर के नामंजूर करवानी भलामण करशे अने ग्राम सेवकनी आ भलामणना आधारे तालुकाना तालुका अमलीकरण अधिकारी ऑनलाइन अरजीने मंजूरी आपशे। तालुका अमलीकरण अधिकारी द्वारा मंजूर करवामां आवेल अरजीओ PFMS द्वारा खेडूतोना बैंक एकाउंटमां सहाय चूकवणीनी कार्यवाही जिल्ला खेतीवाड़ी अधिकारी करशे। तो आ प्रमाणे आपनी अरजी करवामां आवेल हशे तो तेनी मंजूरीनी कार्यपद्धति छे। तो आपनी अरजी आ प्रमाणे मंजूर करवामां आवशे। ते उपरांत आ परिपत्रमां योजनानी शर्तो अने बोलीओ पण आपवामां आवेल छे। तो जे आप वाँचवी होय तो आ विडियोने पॉज करी अने वाँची सको छो। आ उपरांत एक मुद्दो अहींया छे, जो कोई अपने वीसीई मित्र हो तो तेना माटे उपयोगी छे कि ग्राम कक्षाए ई ग्राम सेंटर पर जे ऑनलाइन अरजी करवा माटे ખેડૂતોની અરજી કરવામાં અને તેની પ્રિન્ટ આઉટ લેવામાં સાધનિક કાગળો તૈયાર કરવામાં સહાયરૂપ થવા ઈગ્રામ સેન્ટરના VLE એટલે કે VCEને એક સફળ અરજી દીઠ ₹8.99 જે તે જિલ્લા પંચાયત મારફત ચૂકવવામાં આવશે। તો આ અરજી કરવા માટેની જે ₹8ની રકમ છે તે જિલ્લા પંચાયત જે તે VCE એટલે કે VLEને ચૂકવશે। तो आम हूँ आशा राखू छूं कि आ योजना बाबतेनी आपने संपूर्ण माहिती मळी गई है। तो जो तमने मारो विडियो पसंद आयो होय तो लाइक करो, मित्रों साथे शेर करो, जरूर जणाय तो कॉमेंट करो अने हाँ आपणी आ चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। फरी मळीशुं नवा विडियो साथे, त्यां सुधी रजा लो। जय हिंद, वंदे मातरम।